ये देखें जी दोस्तों, चूज़ों के लिए जो है ना मैंने कीड़े बना कर रखे थे एक बाल्टी में, तो अभी वो डाला है तो उसमें से जो है ये कीड़े चुन चुन कर खा रहे हैं, बड़ा ही इंजॉय कर रहे हैं यार। देखो सुबह सुबह का टाइम है, इनको नाश्ता करा दिया मैंने कीड़ों का। तो यहाँ पे जो है ना इसके नीचे कीड़े हैं, अभी तो काफ़ी सारे इन्होंने खा लिए हैं, लेकिन बहुत कीड़े थे अभी, ये जो है ना ये अभी तक भी सफाई कर रहे हैं। जहाँ पर एक आधा मिलता है तो ये खा लेते हैं फौरन, देखें एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, नाश्ता करा रहा हूँ अपने चूज़ों को। हमारे पास जो है ना असील चूज़े भी हैं, देसी भी हैं, और ये देखें हमारा एक असील चूज़ा, ये मेल है, और ये अकेला ही मेरे ख्याल मेल है, इसके अलावा ये बड़ी फीमेल है, और एक और फीमेल वो घूम रही है ये वाली, एक ये है, इस पे शक है पता नहीं मेल है या फीमेल है, अभी कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन माशाल्लाह इसकी टेल चेक करें। तो कीड़े इन्होंने तकरीबन ख़त्म कर लिए हैं, अब डालते हैं इनको गंदम, और ये गंदम खाएंगे। चलो भी चलो उधर जाओ, चूज़ों का दाना पानी हो गया है, असील मुर्गी और मुर्गों को मैंने जो है खोल दिया है, और मेरे ख्याल से उस वाली मुर्गी ने एक अंडा भी दिया है, तो अभी चलते हैं देखें अंडा किस तरह से कीचड़ में जो है ना भरा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पानी घुसाया था सारा बारिश का, आज बारिश नहीं है तो मैंने इनको खोल दिया है, और आज इनके लिए कोई और जगह बनाते हैं जहाँ पर इनको बारिश का पानी ना लगे। तो देखें कितना गंदा हो गया अंडा, अंडा मैं रख देता हूँ इसमें, और अब जो है इन सब को दाना पानी रख देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों तो मैं जब बाहर गया हुआ था तो देखें, मैंने जैसे आपको बोला था कि मुर्गियाँ आती हैं सारा दाना जो गिरा देती हैं, ज़ाया कर देती हैं, तो अभी भी रिसिका को भी जो है ना दाना ये सारा साफ़ कर लेता हूँ मैं, उसके बाद जो है कबूतरों को हम दाना पानी रखते हैं। दाना दोस्तों सबको रख दिया है, देखें सारे जो है ना कबूतर दाना खा रहे हैं, नीचे भी ऊपर भी दाएं भी, यहाँ पर भी एक पेयर है ये भी दाने खा रहे हैं, तो सबको जो है मैंने दाना रख दिया है। अच्छा जी दोस्तों, दाना पानी तो सबका हो गया है, आज यार हमारा जो मेन काम है ना वो है सफाई करना। भाई नीचे देखो कितना सारा गंद है, बारिश थी दो दिन तो सफाई नहीं कर पाया, बाहर भी सारा देखें कचरा जो है फैला हुआ है, यहाँ पर देखें ये देखें यहाँ पर सारा गंद है, ये देखें बीठें यहाँ पे की हुई हैं इन्होंने, इसके अलावा नीचे देखें सारी बीठें ही बीठें हैं। तो आज जो है ना मुकम्मल सफाई करनी है पूरे जो है सेटअप की, मुर्गियाँ भी, मुर्गियों के पिंजरों के भी, और कबूतरों के, तोतों के, हर चीज़ की जो ना यह सफाई करनी है, और ये सबसे मुश्किल काम होता है भाई सेटअप में सफाई करना, क्योंकि सफाई मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है। दो दिन बारिश थी सफाई नहीं कर पाया, तो आज यकीन करो तीन दिन का काम एक ही जगह पर करना पड़ेगा, और बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तो खैर चलते हैं सफाई करते हैं। अभी दोस्तों मैं जो है सफाई करने लगा हूँ, और आप देखिएगा कि किस तरीके से मैं सफाई करता हूँ। तो लें जी सब कुछ दोस्तों साफ़ हो गया है, और आपके लिए तो भाई एक चुटकी का काम था, लेकिन अभी आप जो है देखें कि इस चुटकी बजाने के दरमियान मैंने क्या क्या काम किए हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो लकड़ियाँ वगैरह यहाँ पर पड़ी हैं सारी इकट्ठी करके कि जो यहाँ पर रखूँगा वो फटियाँ कारपेट उठा के उधर रखना है, और सारा जितना गंद पड़ा है इनको ना एक ही जगह पर साइड पे कर देना है। इसके बाद जो है फिर ब्रश से सफाई करनी है पूरा जो है छत की, और स्क्रैपर से जहाँ पर ये बीठें चिपकी हुई हैं ये साफ़ करनी है, उसके बाद इस जगह को धोना है। तो बहुत ज़्यादा काम है यकीन करें। अभी स्टार्टिंग लेता हूँ, सबसे पहले जो है लकड़ियाँ उठा करना साइड पे लगाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं सारी उठा के जितनी भी यहाँ पे फैली हुई हैं, तो वो जो केज हमने बनाया था उसकी भी लकड़ियाँ निकाल के ना यहाँ पे रख देते हैं सारी, तो उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों केज जहाँ पे बना हुआ था वो सारा तो हमने जो ना उखाड़ लिया, यहाँ से लकड़ियाँ हमने एक साइड पर लगा दी सारी, फट्टे तारें जो थी वो भी हमने यहाँ पर इकट्ठी कर दी। अब जो है ना यहाँ पर रखी हुई थी शीटें और ये जो बांस वगैरह रखे हुए हैं, तो यहाँ पर नीचे जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंद था, तो अभी मैं इसको साइड पर मैंने कर दिया है, और अब हमने करनी है इसकी सफाई। अच्छा जी इस जगह को मैंने जो है साफ़ कर लिया है, और ये
देखिए यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गंद है। तो अब दोस्तों करना ये है कि सबसे पहले जो ऊपर ये सामान वगैरह रखा हुआ है ये सारा हटाऊंगा, ये शीट भी मैं यहाँ से हटा लूँगा, उसके बाद जो है वो वाला केज हम यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे, और ये वाला जो केज है ये हम निकाल लेंगे पूरा का पूरा बाहर। तो फिर ये केज आ जाएगा इसकी जगह पर, ये वाला केज आ जाएगा इसकी जगह पर, और ये हमारा सेटअप मुकम्मल हो जाएगा। ये केज हम बाहर निकालेंगे, इसमें मैं कुछ और बर्ड्स रखूँगा क्योंकि इसमें कबूतर भी इतने खुले नहीं रहते और तंग होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसको हम बाहर निकालते हैं अभी। और ये जगह क्योंकि अब सफाई मैं बाद में करूँगा क्योंकि इसके नीचे से निकलना है गंद, तो ये केज जब हटाऊँगा यहाँ से नीचे से जो गंद निकलेगा वो सारा एक ही साथ साफ कर लूँगा, उसके बाद ही जो है मैं मज़ीद आगे की जो है सफाई करूँगा। तो अभी सेटिंग इसकी चेंज करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है देखें ये केज यहाँ पर रखा रहा, ये वाला जो केज है यहाँ पे था पहले, मैंने इसको इधर रखा, जो यहाँ पे रखा हुआ था केज मैंने उसको इधर रख दिया, ऊपर से शीट रख दी। अब जो है नीचे से जो गंद है ये सारा निकाल लेना है, यहाँ पे पानी डालना है और पानी से इस जगह को साफ़ करना है ताकि बिल्कुल ही साफ़ हो जाए। और ये वाला जो केज है इसमें है हमारे दो पेयर्स पिजन्स के, एक ये वाला है एक ये वाला है, दो पेयर्स ये हो गए और एक पेयर जो हमारा वहाँ पर नीचे बैठा हुआ है अभी तक इसने एग्ज़ ले नहीं किए, तो ये तीनों पेयर्स मैं इधर छोड़ दूँगा और देखेंगे कि कोई और पेयर अगर यहाँ पर रखा जा सकता है तो उसको भी मैं इधर ही रख दूँगा, ताकि ये जो सारे लोकल पेयर्स हैं हमारे यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो मैं सोच ये रहा हूँ कि इनको सारा दिन खुला रखूँ और इसी केज में रखूँ, तो ये इसी में ब्रीड भी करते रहें और अपनी मर्ज़ी से निकलें भी सही, बाहर खेलें कूदें इंजॉय करें और ये जो है बस घूमते फिरते रहें यहाँ पर, यानी कि यूँ ना हो कि सारा दिन जो है कैद रहें। तो इस केज में रहेंगे, दरवाजे मैं इनके खोल दिया करूँगा सुबह, और ये सारा दिन घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे, ब्रीड भी इसी केज में करेंगे। तो जब वो केज खाली हो जाएगा नीचे वाला पोर्शन तो फिर वहाँ पे मैं कुछ और रख लूँगा, और इसके अलावा ये केज खाली हो जाएगा तो यहाँ पर भी हम कुछ नए बर्ड्स लाएँगे और यहाँ पर रख देंगे। तो अभी मैं मज़ीद सेटिंग कर रहा हूँ, इसकी सफ़ाई करता हूँ, धोता हूँ इस जगह को, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या किस तरीके से जो है ये जगह लग रही है। दोस्तों इसको जो है मैंने इसकी जगह पर रख दिया है शीटें वगैरह सारी, तो बाकी जो है केज, इस केज में अब जो है ना ये मैं लाया हूँ आम वाली जो पेटियाँ होती हैं लकड़ी की, ये हम इसमें एडजस्ट करेंगे और इसमें हम छोड़ देंगे अपने तकरीबन चार पेयर कबूतरों के, तीन पेयर बल्कि सॉरी, एक पेयर के नीचे अभी छोटा सा बच्चा है और वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने भी अभी नोट किया है, मुझे पहले पता नहीं था कि इस पेयर ने भी, ये हाई फ्लायर है मेरे घर के, तो मुझे नहीं पता था कि इनका जो है बच्चा निकल आया अंडे में से, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। है तो काफ़ी नाजुक और छोटा सा बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा है, तो लेकिन अभी निकल आया है तो इसको वापस रख देते हैं। तो जैसे ही ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा फिर इस पेयर को भी मैं उठाकर इस वाले केज में शिफ्ट कर दूंगा। फाइनली दोस्तों सेटिंग हो चुकी है, यहाँ पर एक मैंने ये जो है लगाई है आमों वाली पेटी, एक ऊपर लगाई है, एक इधर लगाई है, और एक ये जो है बाउल मिट्टी का एक मैंने यहाँ पे रखा है और दूसरा एक वहाँ पर रखा है। तो ये जो है ना टोटल पांच पेयर्स की जगह हो गई, तो छोड़ेंगे वैसे भी हम तीन या चार पेयर्स, तो जिसको जो जगह पसंद आएगी वो मर्ज़ी से ले लेगा। तो उसके बाद जो है बाद में कुछ पेयर्स इसमें मैं मज़ीद ऐड कर दूँगा, और इन पेयर्स को ना हम सारा दिन खुला रखेंगे, इनको बंद नहीं करेंगे, सारा दिन जो है इनको इन्जॉय करने देंगे, ये खुद मर्ज़ी से घूमें फिरें खाएँ पिएँ, फुल टाइम जो है ना इन्जॉय करें। तो अभी थोड़ी बहुत मज़ीद सेटिंग है वो मैंने इनकी करनी है केजेस की, तो फिर वो जो है पेयर्स, दो पेयर वो हैं, एक पेयर यहाँ से उठाकर इसके अंदर हम डाल देंगे। तो अभी दोस्तों मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, मैं देख रहा था कि यहाँ पर ना छिलका पड़ा हुआ है अंडे का, तो मुझे समझ लग गई कि इस पेयर का भी बच्चा जो है निकला हुआ है, तो इसका अपना तो बच्चा नहीं है, ये किसी और पेयर का मैंने अंडा इसके नीचे रखा था, तो माशाल्लाह से देखें इसका भी एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा जो है ना निकला हुआ है। तो इसको वापस इसकी जगह पर रख देते हैं ताकि इसको ठंड ना लग जाए, और देखें इसकी वालदा जाकर इसके ऊपर बैठ चुकी हैं। तो अभी यार मज़ीद सेटिंग मैं कर लेता हूँ फिर आपको जो है दिखाता हूँ। दोस्तों कबूतरों के जो ना तीन पेयर हैं और तीन बच्चे हैं, तो वो मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं, लेकिन ये सारे जो है ना बैठे हुए हैं नीचे, तो इससे जो है ना इनके बीच में हो जाएगी फ़ाइट। तो अब करना ये है कि एक दो स्टिक्स मैं लगाता हूँ यहाँ पर ताकि ऊपर भी बैठें, और एक स्टिक ऊपर लगा दूँगा ताकि वहाँ पर भी बैठें। इसके बाद जो है ना बाकी ये जो गंद पड़ा है अब ये साफ़ करना है, ठीक है।
तो जैसे ही ये साफ होता है फिर मैं आपको मिलता हूँ भाई। बहुत आज जो ना काम किया मैंने, तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए यही काम कर रहा हूँ सुबह से। तो अब ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार बस आज इतनी सफाई होनी थी मुझसे, ये एरिया मैंने सारा क्लियर कर दिया। बर्ड सेटअप जो है यानी कि मैंने सेटिंग चेंज कर दी है। एक पेयर ने तो अपनी जगह बनाना भी शुरू कर दी है वो देखें सामने। तो बस भाई मैं तो गया हूँ थक यार, आज इससे ज़्यादा जो ना काम नहीं होगा। तो आज भाई इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा यार सफाई किया, मेरे हाथ दुख रहे हैं और काफ़ी जगहों पर मुझे कट्स आ गए हैं क्योंकि मैंने तारे लगानी थी इस केज में। तो तारे लगाने के दौरान ही मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हाथों पर और बाजू पर कट्स लग चुके हैं। तो खैर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक लाजमी करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।